हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर वीना सेठी और आज मैं बात करने वाली हूँ इनफर्टिलिटी को लेकर। इनफर्टिलिटी यानी कि या तो मेल पार्टनर में या फीमेल पार्टनर में अगर किसी भी तरीके की कोई कमी है और आप अपनी नई जनरेशन को पैदा नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि ऑफ स्प्रिंग्स नहीं आ रही हैं, आप बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे हम जोड़ के देखते हैं इनफर्टिलिटी से। ये इनफर्टिलिटी कभी कभी टेम्परेरी होती है और कभी कभी परमानेंट होती है, कभी क्योरेबल होती है और कभी इनक्योरेबल होती है। तो आज इसमें मेनली हम कपल्स की इनफर्टिलिटी की बात करेंगे कि उनमें इनफर्टिलिटी क्यों होती है और जब शादी के कुछ टाइम बाद जब वो प्लान करना चाहते हैं और उनके बच्चे नहीं होते, यानी कि वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते, तो वो क्या क्या मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं और एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, आज हम इनफर्टिलिटी के मिथ्स और फैक्ट्स को देखने वाले हैं। सबसे पहला मिथ जो दिमाग में आता है कि हमने प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली थी और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना अब हमने बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें सारी की सारी गलती कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की है या हमारे उस डिसीजन की है कि हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओरल पिल्स होती हैं जिन्हें हम माउथ से लेते हैं, मतलब विमेन को लेना होता है, और उसका जो एक्शन है वो होता है उसका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस ग्लैंड के ऊपर, यानी कि उसके ब्रेन के अंदर होता है। वहां से उसके अंदर एमएच और एलएसएच जीआरएच जो हार्मोन्स हैं वो कम बनते हैं, जिससे उसका ओवुलेशन टेम्परेरीली स्टॉप हो जाता है, यानी कि जो हर मंथ एक एग बन के तैयार होता है फीमेल के अंदर, वो बनना बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन जैसे ही आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेना बंद करते हैं तो आपकी वो जो ग्लैंड है वो अपना नॉर्मल एक्शन स्टार्ट कर देती है और आप 99% केसेस में आपको कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन आपके मन में ये मिथ रहता है कि क्योंकि हमने ली थी इसीलिए ऐसा हो रहा है। वो केवल 100 में से एक लेडी के साथ हो सकता है, लेकिन बाकी आप देखेंगे 99% लेडीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस एक का कारण भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं होता, उसका कारण ये होता है बढ़ती हुई एज के साथ हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट स्टाइल या कोई और रीजन। तो हम देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इसमें कोई रोल नहीं होता, रादर दे आर गुड टू कीप गैप बिटवीन टू किड्स और टू पोस्टपोन योर फर्स्ट प्रेगनेंसी। दूसरा हम देखते हैं डीएमसी डायग्नोस एंड क्योर। डीएमसी में आप देखिए कि ज्यादातर केसेस में जब आप न्यूली मैरिड होते हैं और कभी कभी मैरिज से पहले आप कंसीव कर लेते हैं और आप नहीं चाहते अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव करना, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है कि या तो आप आई पिल वगैरह टेबलेट लेकर उसको मेंसुरल साइकिल आने से पहले ही उसको आप अबॉर्ट कर दें, लेकिन कभी वो अबॉर्ट नहीं होता, 2-3 मंथ्स लेट हो जाते हैं, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है और आप जाते हैं डीएनसी के लिए, जिसे हम कहते हैं सफाई कराना या थैली को धोना, बच्चेदानी को साफ करना या उसको गिराना, बच्चे को गिराना, हम इसको इस नाम से भी जानते हैं। यहां ध्यान दीजिए, अगर आप मैरिज से पहले डीएनसी के लिए जा रहे हैं तो डॉक्टर हो सकता है आपको मना नहीं करें, लेकिन अगर आप मैरिज के बाद जा रहे हैं तो डॉक्टर्स आपको यूजुअली यही कहते हैं कि आप प्लीज इस बच्चे को कैरी ऑन करें, या तो आपको पहले ध्यान रखना चाहिए था और अब अगर कंसीव हो ही गया है तो आप इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि आप उस खतरे को नहीं जानते जिसको कि डॉक्टर्स पहचानते हैं, क्योंकि लगभग 90% या 95% केसेस में तो कुछ नहीं होता, लेकिन 5-10% केसेस में जब वो डीएनसी कर रहे होते हैं तो जो बच्चे का प्लेसेंटा होता है जुड़ा हुआ होता है उसको जबरदस्ती खींच के बाहर निकाला जाता है,
इस चक्कर में एंडोमेट्रियम जो है वो डैमेज हो जाती है, कभी कभी हार्शली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज करते हैं, कभी कभी वो इन्फेक्शन भी हो जाता है, और कभी कभी कुछ और भी मिसहैप हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब तक कोई इन्फेक्शन पहुंच जाता है, कभी ओवरीज तक कोई इन्फेक्शन पहुंच जाता है, और कभी यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, इनर लेयर है, वो खराब हो जाती है। तो ये भी एक कारण होता है कि आपको पहला बच्चा जो है गिराना नहीं चाहिए, अबॉर्शन नहीं करना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आप कंटिन्यू करो, लेकिन आपके इंसिस्ट करने के बाद अगर वो ये एक्शन लेते हैं तो उसमें से 5-10% लेडीज को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और आपने सुना भी होगा कि उन्होंने पहले बच्चे को कंटिन्यू नहीं किया और इसके बाद उनका कंसीव ही नहीं हुआ। तो इसीलिए बी केयरफुल। नेक्स्ट, अपनी प्रेगनेंसी को आप एज सून एज पॉसिबल, यानी कि 30 ईयर के नीचे पहली प्रेगनेंसी आप कंसीव कर लीजिए, क्योंकि पहले ही जो 30 ईयर है इज अ लेट, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत जल्दी वाली एज है। हाँ, आपकी शादी अगर 18 साल में हुई है, 20 साल में हुई है, 21 साल में हुई है, 22 साल में हुई है, तो यू कैन हैव 1-3 ईयर्स टू एंजॉय। लेकिन अगर आपकी मैरिज पहले ही 28-29 साल में हुई है बिकॉज ऑफ योर करियर और योर प्रमोशंस, आप उसको लेट कर रहे हैं, तो प्लीज अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलिए। 30 ईयर से पहले आप अपना पहला बच्चा कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एजिंग होती है, एजिंग के साथ साथ AMH का जो लेवल है वो लो हो जाता है, FSH का लेवल काफी लो हो जाता है, कभी कभी बल्की एंडोमेट्रियम हो जाती है, यानी कि बच्चेदानी में सूजन आ जाती है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ एक्सेस में हो जाती है, हार्मोन लेवल इंबैलेंस हो जाता है, एग की क्वालिटी कम हो जाती है, नंबर ऑफ एग्स कम हो जाते हैं, एग बनते भी कम है और उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, और कभी रप्चर ही नहीं होते। इसके अलावा फाइब्रॉइड, PID, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो कि बढ़ती एज के साथ कॉमन है। और आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि 5 में से 3 लेडीज को PCOD या PCOS के जैसी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बढ़ती हुई लाइफ स्टाइल और डाइट स्टाइल के कारण। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेज्म को लेके भी बहुत सारे मिथ्स होते हैं, कि बहुत सारे कपल्स में ये रहता है कि लेडीज क्योंकि थकी हारी आती हैं और वो इंटरेस्ट नहीं लेती सेक्स में, इसलिए उनका ऑर्गेज्म नहीं होता, तो हस्बैंड उनको ब्लेम करते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑर्गेज्म कैसे कंसीव हो। तो ऐसा ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है कि कंसीव करने के लिए फीमेल का ऑर्गेज्म होना जरूरी है। लुब्रिकेशन इज गुड, अगर उसमें हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है ड्यूरिंग जब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं और लुब्रिकेशन अच्छा है, इट हेल्प्स टू मूव स्पर्म्स इनसाइड एंड वो उनको फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। लेकिन हर बार फीमेल का ऑर्गेज्म हो ये ऐसा जरूरी नहीं है, उसके बिना भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि उसके एग की क्वालिटी अच्छी हो और आपके स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी हो और वो ऊपर तक पहुंच पाए। इसके बाद हम देखते हैं सीमन। सीमन में ये देख हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि सारा की सारा सीमन आउट आ जाता है तो कंसीव कैसे हो, ऐसा नहीं है। ओनली फर्स्ट 2 ड्रॉप्स जो आगे की 2 बूंद होती हैं, दे आर इनफ टू गेट कंसेप्शन, वो सफिशियंट है किसी भी लेडी को कंसीव करने के लिए। लेकिन वो उस दिन जिस दिन उसका ओवुलेशन हुआ है उस दिन अगर आपने इंटरकोर्स किया है तो ही वो 2 ड्रॉप्स जो है वो सफिशियंट है। और नेचर ने ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि जो यूट्रस का माउथ है, सर्विक्स, उसके ऊपर एक फिल्टर होता है जिसमें से केवल स्पर्म से आगे मूव करते हैं, बाकी जो सीमन में प्रेजेंट म्यूकस है, पस सेल्स हैं और जितने भी लिक्विड हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। अगर वो सब भी अंदर चले जाएं तो सोच के देखिए एक लेडी के अंदर कितना सीमन इकट्ठा हो सकता है और उसको कितनी सारी डिजीज हो सकती है, कितने इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये नेचर का जो बिल्ट, नेचर बिल्ट जो फिल्ट्रेशन का सिस्टम है दैट इज वेरी वेरी गुड। तो पूरे के पूरे सीमन का अंदर जाना जरूरी नहीं है, 3-4 मिनट सफिशियंट होते हैं अगर आप लेटे रहते हैं, और प्रिकॉशनरी आप 10-15 मिनट लेट सकते हैं जिसमें जो स्पर्म्स है वो मूव करते हुए ऊपर तक जा सकते हैं। और
कभी भी अगर आप किसी भी लेडी की इनफर्टिलिटी को चेक कर रहे हैं, किसी कपल की इनफर्टिलिटी को चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेल पार्टनर की इनफर्टिलिटी को चेक करना चाहिए कि उसमें सीमन का काउंट कितना है, मोटिलिटी कितनी है, मॉर्फोलॉजी कितनी है, पीएच कितनी है। कई बार काउंट बहुत कम होता है, कई बार हम देखते हैं मोटिलिटी कम होती है, कई बार मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं होती, सारे स्लजिश स्पर्म्स होते हैं, और कभी कभी हम देखते हैं कि पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, पस सेल्स होते हैं, कोई इन्फेक्शन होता है। तो क्योंकि मेल पार्टनर का जो एनालिसिस है वो बहुत आसान होता है और उसका ट्रीटमेंट भी आसान होता है, तो जब भी कोई कपल ऐसा सोचते हैं कि उनको कंसीव नहीं हो रहा है तो पहले मेल का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी का एनालिसिस होता है और उसमें सोनोग्राफी और जो भी ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। लेकिन अगर वो सब कुछ सही है तो उसके बाद फीमेल का ट्रीटमेंट और उसके टेस्टिंग होते हैं। सेक्स फ्रीक्वेंसी को लेके बहुत बड़ी गलत धारणा है, कोई ये सोचते हैं कि हम एक मंथ तक अगर नहीं करेंगे, मंथ में एक बार करेंगे तो सीमन की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। किसी का कंसेप्ट है कि एक वीक तक नहीं करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के आपको केसेस आपको सोसाइटी में देखने में मिलते हैं। एक्चुअल आप देखेंगे कि आपने जो सेक्स करना है वो उस दिन करना है जिस दिन आपका फीमेल का ओवुलेशन हुआ है, उससे अगर पहले भी करते हैं तो एक या दो दिन पहले करते हैं तो स्पर्म्स 3-4 दिन तक फीमेल की बॉडी में जिंदा रह सकते हैं और वो उसको कंसीव कर सकते हैं। लेकिन ओवुलेशन के बाद या 3 दिन पहले आप अगर जितना भी रिलेशन डेवलप करिए कंसीव होने के चांसेस नहीं होते। तो यहाँ ध्यान देना है आपकी फ्रीक्वेंसी, अगर आप अच्छा खाते हैं और यू कैन मेंटेन, यू हैव प्लेंटी टाइम, तो आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से अल्टीमेटली आपकी जो लाइफ है, स्पर्म्स की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है, सीमन भी इम्प्रूव होता है। लेकिन ब्रह्मचर्य रखने से ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि आपका सीमन और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। आप जितनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर सकते हैं वो उतनी ही अच्छी है, लेकिन आपको उसके साथ जैसे एक एक्सरसाइज करने के बाद आपको डाइट लेनी होती है, ऐसे ये भी आपकी एक एक्सरसाइज है, इसके बाद भी आपको इसके साथ भी आपको एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए। सीमन एनालिसिस हमने बताया ये मेल्स का पहले होना चाहिए, फीमेल का बाद में होना चाहिए, फीमेल के टेस्टिंग बाद में होनी चाहिए। ओवुलेशन इंडक्शन, ओवुलेशन इंडक्शन में हम क्या देखते हैं कि जब कंसीव नहीं हो रहा होता तो बहुत सारे लेडीज को विटामिन्स दिए जाते हैं कि ताकि उसका ओवुलेशन अच्छे से हो, जैसे फॉलिक एसिड है, बी नाइन विटामिन है। लेकिन कभी कभी हम क्लोमिफिन सिट्रेट भी देते हैं। क्लोमिफिन सिट्रेट क्या करता है, वो उसका ओवुलेशन बहुत ज्यादा इंड्यूस करता है, और स्पेशली जब आप आईवीएफ की तरफ या आईयूआई की तरफ जा रहे होते हैं तो हम क्लोमिफिन सजेस्ट करते हैं। लेकिन नेचुरली हम नेचुरल केसेस में हम फोलिक एसिड ही सजेस्ट करते हैं कि आप नेचुरली उसको बनाओ। एक्चुअली जब आप फोलिक एसिड लेते हैं तो आपके अपने जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे से बनते हैं, लेकिन क्लोमिफिन सिट्रेट क्या है, ये उसके जैसा मिलता जुलता हार्मोन है एस्ट्रोजन के जैसा, और ये वही काम करता है जो फीमेल के अपने हार्मोन्स करते हैं। तो ये एक हार्मोनल टेबलेट है जबकि फोलिक एसिड एक वाइटामिन है। तो वाइटामिन से आपके नेचुरली अपने हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जबकि ये आप आर्टिफिशियली हार्मोन को लेकर अपने ओवुलेशन को इंक्रीज करते हो। तो इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि आपने जरूरत से ज्यादा इसको नहीं लेना, आप मैक्सिमम 6 मंथ तक आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो उल्टा ओवरी के या यूट्रस के डिफरेंट टाइप के कैंसर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन के चांसेस, स्वेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड इन एवरी केस, और हर केस में इसको रिकमेंड नहीं करते। पहले ये कोशिश की जाती है कि फोलिक एसिड की हेल्प से आपके अपने जो हार्मोन्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस हो और ओवुलेशन अच्छा हो, ना कि आर्टिफिशियल, और इसको हम 6 मंथ से आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। स्ट्रेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहते हैं ना कि अगर आप चिंता करते हो तो आपको कोई दवाई भी असर नहीं करती, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप स्ट्रेन लेते हैं तो एड्रेनलिन जो है हार्मोन वो बहुत ज्यादा बनता है, जिससे आपकी यूट्रस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होते हैं और आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। और दूसरी चीज, जब आप स्ट्रेन में होते हैं, कोई आपको स्ट्रेस दे रहा है और आप वो स्ट्रेन ले रहे हैं, तो आपने करना क्या है कि आपने ध्यान देना है कि आपको बार बार
पानी की प्यास लगती है, आप बार बार वॉशरूम जाते हैं, तो जो आपकी बॉडी के मिनरल्स हैं, एसिड्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो सब फ्लश आउट हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी में अल्टीमेटली मिनरल्स और हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। तो जो आप मेडिसिन ले भी रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, एक तरफ आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप टेंशन ले रहे हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो भी ज्यादा पानी पीने से और बार बार वॉशरूम जाने से वो भी आपकी बाहर चली जाती है, तो उसका जो इफेक्ट आना चाहिए था वो इफेक्ट नहीं आ पाता। तो आपने देखा कि जो स्ट्रेन है ये बिल्कुल ही गलत है। आपने ना तो स्ट्रेन लेना है ना अपने पार्टनर को स्ट्रेन देना है, एक दूसरे को ब्लेम बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कंसल्ट योर डॉक्टर्स एंड जो है अपने स्ट्रेटजी को इस तरीके से रखिए कि आपके लाइफ में जो आपका फ्यूचर है, फ्यूचर ग्रोथ है वो भी होती रहे और साथ साथ फैमिली ग्रोथ भी होती रहे। आज के युग में हम ऑलरेडी लेट मैरिज करते हैं, तो लेट मैरिज के बाद कम से कम फैमिली प्लान करते समय और लेट ना करें। तो इट वॉज माई सिंसियर एडवाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी। और इनफर्टिलिटी को लेकर आई ट्राई टू गिव यू करेक्ट फैक्ट्स, और अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी जरूरत है शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।